लेकिन अब पता चला कि ये लोग तो गलत प्रोसेस फॉलो कर रहे थे यार। बॉलीवुड वालों को इतना तामझाम नहीं चाहिए। उनका नॉर्मल सा फंडा है कि आपको स्टार बनना है, हमारी कोक से जन्म लीजिए। टैलेंट और एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, हमारा स्पर्म ही काफी है। तो हम इंडियंस ना बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। मूवी में जो भी होता है उसको रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करने लगते हैं। जैसे विक्की डोनर देखने के बाद मेरे गांव वाले चाचा डब्बे में अपना स्पर्म भर के ले आए कि ले जा दिल्ली में बेच के मेरी तरफ से कपड़े ले लियो। उस मूवी के बाद उनको लगा पूरा दिल्ली स्पर्म बेच के जी रहा है। और बधाई हो, मूवी के बाद लौंडे बूढ़े माँ बाप के बीच में सोने लगे कि पलक झपकते ही कहीं जायदाद आधी ना हो जाए। लेकिन हद तो तब हो गई यार जब संजू मूवी देखने के बाद मेरे दोस्त का बाप उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल आया, जबकि वो नशा भी नहीं करता था। अंकल कहने लगे ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना, मैं तो बाप होने का फर्ज नहीं पाऊंगा ना। और मेरी खुद की सेटिंग टूट गई यार शादी में जरूर आना मूवी की वजह से। उसमें वो जो सीन नहीं है जब हीरो बोलता है कि एक किस कर लूं और लड़की बोलती है पहले किस करोगे फिर मेरे कैरेक्टर पे शक करोगे, वो सेम डायलॉग मेरी बंदी मुझ पे चेप रही थी, जबकि हमारे बीच में कई बार घपा घप हो चुका था यार। वो डायलॉग हमारे सिचुएशन को मैच ही नहीं कर रहा था। और यार मूड भी तो देखना चाहिए ना, मैं वहां जॉनी सिन के मूड में बैठा था, वो राजकुमार राव वाला रिएक्शन चाह रही थी। उस छोटी सी बात का बुरा मान के ब्रेकअप कर गई यार। और उस मूवी की वजह से यार मेरी पांचवी सच्ची मोहब्बत छोड़ के चली गई मुझे। अब तो छोटे छोटे बच्चे यार बिगड़ रहे हैं मूवी की वजह से। टीचर पूछता है कबीर के दोहे सुनाओ तो बच्चे वड़ा वाँ वाँ वड़ा वाँ वाँ गा रहे हैं। कबीर सिंह की वजह से कबीरदास को भूल गए बच्चे। और कुछ भी रियलिटी नहीं होता यार बॉलीवुड में। ये थिएटर में दिखाया कि एक मिडिल क्लास बाप फाइनल ईयर में मान गया कि जा कैमरा ले ले और जी ले अपनी जिंदगी। रियल लाइफ में एक मिडिल क्लास बाप इतने पैसे लगाने के बाद सपनों को पूरा कर बोलेगा, वो बच्चे को नंगा करके पिछवाड़े पे हड्डी बांध के कुत्ता छोड़ देगा कि नहीं चाहिए ऐसी औलाद। और सनी देओल को ही देख लो यार गदर मूवी में, अकेला बंदा पूरा पाकिस्तान पेल के आ जाता है, 8-10 गोली तो ऐसे खाता है जैसे गोली नहीं हाजमोला कैंडी हो। और एक गरीब का जो सरकारी योजना से नलका लगाता वो और उखाड़ लाता है यार। इतना ज्यादा हवाबाजी दिखाते हैं ना बॉलीवुड वाले, लेकिन फिर भी ना लोग यार कनेक्ट करते हैं मूवी से, क्योंकि हर बंदा बचपन में सही पर सोचता जरूर है कि मैं भी हीरो बनूंगा, लेकिन कुछ लोग उस पे यकीन करके उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, एक्टिंग सीखते हैं, फिर ऑडिशन देते हैं कि अगर बेस्ट हुआ तो मूवी मिलेगी और मूवी हिट हुई तो स्टार बन जाऊंगा। लेकिन अब पता चला कि ये लोग तो गलत प्रोसेस फॉलो कर रहे थे यार। बॉलीवुड वालों को इतना तामझाम नहीं चाहिए। उनका नॉर्मल सा फंडा है कि आपको स्टार बनना है, हमारी कोक से जन्म लीजिए। टैलेंट और एक्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, हमारा स्पर्म ही काफी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा मिडिल क्लास में इस सपने के साथ पैदा हो गया वो क्या करे, क्या किसी फिल्म स्टार के पास जाके रीबर्थ मांगे कि प्लीज मुझे अपनी कोख में भर के दोबारा जन्म दो, या फिर ओम प्रकाश मखीजा की तरह मर के भगवान से सेटिंग करे कि इस बार मुझे बड़े स्टार के घर में पैदा करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऊपर वाला भी इसमें कुछ कर पाएगा, क्योंकि यार बॉलीवुड वाले अब वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते यार रिप्रोडक्शन का। अब तो ये सिंपल से ट्यूब में यार स्पर्म डाल के बच्चा निकाल देते हैं। साला बच्चा ही कंफ्यूज रहता है कि अगले को बाप बुलाऊं या माँ। और मेरा खुद बड़ा मन था यार कि थोड़े दिन के लिए स्टार बन जाता यार, इसलिए सोच रहा था मैं कि इंस्टाग्राम पे किसी बड़े स्टार को डीएम करूं कि प्लीज मुझे रिवर्थ करो, अपनी कोख में ले लो मुझे। पर अब सुनने में आया कि आप लोग यार बायकॉट कर रहे हो नेपोटिज्म को। सच में कर रहे हो क्या? तो फिर मैं रहने देता हूं।